जनता बोलेगी सुनेंगे सब विभाग बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोल इंडिया बोल पे आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ छाती चौड़े वाले भाई दिख रहे हैं जिनकी 56 इंच की छाती में बोल सकता हूँ। आइए जानते हैं 56 इंच की छाती लेके चल रहे हो। मोदी भी 56 इंच की छाती लेके चल रहे हैं। इस बार किसको ठोकने का इरादा है लोकसभा में? लोकसभा में हम लोग पिछली बार भी हमने सारे प्रत्याशियों की अपनी जमानतें जब्त करवाई थी। इस बार भी निश्चित उनकी जमानतें जब्त होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछली बार जो जमानत जब्त हुई थी उससे भी कम वोट इस बार उनको मिलने जा रही है। अच्छा, यूपी में पिछला मायावती का खाता नहीं खुला था, बंद हो गया था, इस बार किसी से खाते बंद हो रहे हैं यूपी में? जितने खाते पिछली बार बंद हुए थे उससे भी ज्यादा अब की बार बंद होंगे। अच्छा, और लोकदल और बसपा का तो खाता पहले भी नहीं खुला था और अब की बार भी नहीं खुलेगा। अच्छा, और जहाँ तक सपा की बात है, गठबंधन की बात है, सपा अपनी जो 5 सीटें लेके गई थी उसमें से भी 2 या 3 ही रह जाएंगी। सबके जब्त, सबके जब्त, सबके वस्ते जब्त। सबका साथ सबका विकास लेके बीजेपी ने नारा लगाया तो खड़ी उतरी है, 2019 में आ जाती है तो क्या लेके चलोगे? देखो, सबका साथ सबका विकास का ये फायदा हुआ है, इस देश में जहाँ हमें लाइट नहीं मिलती थी ना, हम कभी छत पे, कभी छत से नीचे, कभी ऊपर नीचे हुआ करते थे, वो चीज खत्म हो चुकी है। 24 घंटे लाइट मिल रही है गाजीबाद जैसे क्षेत्र में, जहाँ 8-8 घंटे लाइट नहीं आती थी। और इसी से आप देख लीजिए, आयुष्मान योजना जो है हमारी 5 लाख का, आप किसी भी धर्म के लोगों को उठा लीजिए, बल्कि ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन धर्म के लोगों को भी है जो कहीं ना कहीं दूसरे दल हमारे लिए कहते हैं विरोधी हैं, आपके विरोधी हैं। हाँ, और मेरा कहना ये है, आपने कही एक क्वेश्चन पूछा ठोकने के बाद, ठोक देंगे और ठोक ही देंगे। कोई भी गठबंधन हो जाए, कोई भी कांग्रेस आ जाए, किसी को यहाँ जिंदा छोड़ेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखो, बहुत सीधी सी बात यह है कि JNU में नारे लगते हैं कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके साथ कौन खड़े होते हैं? उसके साथ खड़े होते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी चंद्रशेखर जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में दंगे करवाए पूरी SC ST एक्ट के नाम पर। उनसे कौन मिलने जाता है? उनसे मिलने जाती है प्रियंका गांधी। ठीक है, आप साफ, आपको यह है कि एक अखंड भारत और एक भारत को तोड़ने वाले लोगों की बात करने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अखंड भारत के लिए काम करते हैं, संपूर्ण भारत के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया, जब एक गांव में बिजली जाती है तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि वहां पे हिंदू के घर में बिजली जा रही है या मुसलमान के घर में जा रही है, गांव में बिजली जा रही है। जब वहां पे पानी का विकास होता है तो ये नहीं देखा जाता कि इस नल का पानी एक हिंदू पिएगा या मुसलमान पिएगा। ये सारी पार्टियां हकीकत में समाज को बांटने का काम करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये जो आरोप लगता है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के लिए लगातार काम करती जा रही है और करती रहेगी। जी, इस बार कितने सीटें कौन मान लेके चल रहे हो लोकसभा में, कितनी निकाल लोगे? हमारा पिछली बार तो जब हम लोगों को मोदी जी ने कार्यशैली नहीं देखी थी, इस बार मोदी जी की जो कार्यशैली लोगों ने देखी है, जो देखा कि एक हमारा राष्ट्र एक मजबूत हाथों में, सुरक्षित हाथों में, मैं आपको आज गारंटेड देता हूँ, मेरा नाम धीरज शर्मा है, पिछली बार से भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों को मिलने जा रहा है। राव जी चौकीदार को चोर कहते हैं, इस बार में क्या कहना है? देखो, इन्हें कोई मुद्दा तो मिला नहीं, ये सबको पता है और आम जनता जानती है। आप गाना आया था, ये पब्लिक है, सब जानती है, और वाकई ये निश्चित है, लोग जानते हैं। इन्होंने जितना अपमान चौकीदार समाज का किया है ना, मैं उससे बहुत आहत हूँ उस चीज़ को लेके। मतलब एक चौकीदार जो आपके लिए सेवा कर रहा है, रात रात को जाग रहा है, आप उसे चोर बता रहे हो। और मोदी जी जो मात्र 4-6 घंटे सोते हैं पूरे दिन और आज तक अभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, ऐसे व्यक्ति को यदि आप चोर बोल रहे हो तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्य है आपका, और आप में कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता है कि जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि ये जो वोटों का जो सिलसिला चलेगा ना, ये सोच नहीं पाएंगे कितना जबरदस्त चलेगा, और पहली बार से ज्यादा वोट। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी एयर स्ट्राइक हुआ, हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की सीमा में 70 किलोमीटर घुसकर निशाने लगाए। हमारे यहाँ के नेता कहते हैं कि हमें हमारे वीर शौर्य जवानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार हमें संख्या बताए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ इस पर बात, कि मान लीजिए हमारे वीर जवानों ने 70 किलोमीटर घुसकर केवल पेड़ भी गिराए, ये किसका शौर्य है? हिंदुस्तान के वीरों के तो शौर्य है। तो आप संख्या गिनाने के नाम पे पाकिस्तान का समर्थन करना चाह रहे हैं, आपको तो ये
करना चाहिए था, नहीं हमारे हिंदुस्तानियों ने पेड़ नहीं गिराए, सैनिक मारे, लेकिन वो उल्टा बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया जाए, चलो पेड़ गिरा दिए, तो कम से कम एक सेना का मनोबल बढ़ाया जाए कि भाई चलो जो कभी पहले नहीं हुआ वो सेना कर रही है। वहां जाके आजाद हिंदुस्तान के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके ब्लड के अंदर राष्ट्रवाद की भावना संचारित है, वो हर व्यक्ति ये मान रहा है कि पाकिस्तान में जाकर हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी करी, उनके आतंकवादियों को मारा। लेकिन जिन लोगों, जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं आज भी आजाद भारत में रह के, वो लोग शक कर रहे हैं, वो लोग पेड़ की बातें कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं और सारी अन्यथा अर गलत बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये पुलवामा पे जो स्ट्राइक हुआ, विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी इस पे वोट बैंक बना रही है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी जी को चोर बताता है, वो नरेंद्र मोदी जी का नहीं पूरे भारतवर्ष का अपमान कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पद पर हैं जो गरिमा में ही पद है, और उसे चोर कहने का किसी को कोई हक नहीं है। सर क्या लग रहा है इस बार 2019 में किसकी जीत दिख रही है आपको? हाँ जी, किसकी जीत दिख रही है इस बार? निश्चित जीत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी, और इसका जो श्रेय जाता है वो जनता की अच्छी सोच को जाता है। राष्ट्रवादी सोच जनता की है, जनता ने तय कर लिया है कि हमें जो प्रधानमंत्री चाहिए वो नरेंद्र मोदी चाहिए। उसके लिए विशेष खासियतें नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर हैं। आपने देखा होगा उनके पास एक ब्लूप्रिंट है जो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके पास एक सोच है विश्व में। आपने देखा होगा कि आज से पहले का आपने देखा होगा हमारा प्रधानमंत्री जब विश्व में जाता था किस तरीके से स्वागत होता था, और आज हमारे प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत होता है, आज हमारे देश के नागरिक का किस तरीके से मतलब वहाँ किस दृष्टि से देखा जाता है, किस तरीके से इस सरकार ने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, रोड की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मतलब बीमे से जुड़ी हुई गरीब से गरीब लोगों का मतलब खाता खुलने की बात हो, या फिर मतलब जो है जो क्या नाम है पेंशन योजना की बात हो, मानधन योजना की बात हो, सबको लेके चले मोदी जी। हाँ जी, उन्होंने उनकी किसी भी योजना के अंदर पक्षपात नहीं देखा होगा, जातिवाद नहीं देखा होगा, उसी का एक असर जो है जनता में देखने को मिला है। जो लोग नहीं, पिछली बार जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो इस बार वो भी लोग वोट देंगे, और पिछली बार से सन 2014 से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है इस बार इसकी लहर? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा आपके माध्यम से, जो ईवीएम को बार बार हैक करने के लिए बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, आप ट्विटर पे और फेसबुक पे जाके देख लीजिए, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदार चोर है बोला है दूसरे दलों ने, कितने लोग इस हैशटैग से जुड़ गए हैं। दोबारा से ये ना बोलें कि ईवीएम हैक है। युवा जुड़ रहा है आज हमारे साथ, क्या सोचता है युवा इस बार देश के बारे में, राजनीति के बारे में? इस बार पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार लानी है फिर से, और पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार मोदी जी को दिलानी है, और पूरे विश्व में मोदी जी का राज करवाना है, भारत का राज करवाना है, दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी विफल रही है, इस बारे में क्या कहना है? आतंकवाद कहीं ना कहीं वहाँ पे दिख रहा है, किस मायने में विफल रही है एक भी बात बताइए? जितने पत्थरबाज थे आज वो पत्थरबाज अंदर हो गए, आज आतंकवादियों जगह ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आजाद भारत के बाद अगर किसी सरकार ने ड्रिंक सर्कल के साथ आतंकवादियों का खात्मा किया, खत्म किया आतंकवादियों की सुरक्षा हटाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विफल रही है? आर्मी को वहाँ पे बिल्कुल सटीक कर दिया जाता है, भैया आतंकवाद को खत्म करना है, खत्म करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे स्टैंड भी दिख रही है, एक मजबूत दिख रही है। आजाद भारत में भारतीय जनता पार्टी के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुविधाएं पहली बार फौजियों को मिली हैं वो इस भाजपा सरकार में मिली हैं। अलगाववादियों को जो ठिकाने लगाया गया, जेल लगाने गया, वो इस भाजपा सरकार में मिला है। पत्थरबाजों की जो संख्या में भारी मात्रा में कमी आई है वो भारतीय जनता पार्टी में गई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जितने आतंकवादी मारे गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मारे गए। आप किस तरीके कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टेट पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर? नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक, कहीं ना कहीं वो फैल नहीं पाई, जैसे गाजियाबाद हो गया, गढ़ हो गया, ऐसे जम्मू में नहीं फैल पाई बीजेपी, मेरा कहने का मतलब वो है।
कश्मीर के ऊपर नहीं ले जा रहा है। जी देखो, जम्मू में अगर ऐसा विश्वास नहीं होता तो आज हमारी सरकार पीडीपी से जब मिलकर हमने समर्थन बनाया था तो बीजेपी दूसरी बड़ी कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों में हमारा विश्वास नहीं बढ़ा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र की राजनीति में और लोकसभा की राजनीति में अंतर आ जाता है। आप देखिएगा इस बार अभी हम लोग मध्य प्रदेश में विधानसभा भाई जो हमारा आप लोग बागों ने कहा कि हमारा रिजल्ट खराब रहा, 15 साल की सरकार के बाद अगर हमारी 109 सीटें आती हैं तो आप इसको खराब रिजल्ट बोलेंगे? ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और निश्चित ही विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अंतर होता है, और आप देखिएगा कि इन्हीं सारे राज्यों से हम लोग कितने भारी मतों से जीतकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ताकत बढ़ाते हैं और पुनः इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को गौरवान्वित करने के लिए फिर अपना काम आगे करते हैं।